हरे कृष्णा राधे राधे। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रहे हैं तो इन बातों का, इन नियमों का खास ख्याल रखें। नंबर एक, सबसे पहला नियम ये है कि जो भी इस व्रत और पूजा का संकल्प लेता है उस समय से लेकर पारण तक जल ग्रहण ना करें। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। हरियाली तीज के व्रत में हरे रंग का महत्व है क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह हरा रंग शिवजी को भी प्रिय है। इस वजह से इस व्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी और अन्य श्रृंगार सामग्री में हरे रंग का उपयोग अधिक करना चाहिए। जब भी तीज माता यानी देवी पार्वती की पूजा करते हैं तो उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें, जिसमें मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, साड़ी, आभूषण, पुष्पमाला आदि शामिल हैं। हरियाली तीज की पूजा के बाद अपनी सास और ननद को प्रसाद जरूर दें, उनका आशीर्वाद लेते हैं, सासू माता के पैर छूकर आशीष लें और उनको भी श्रृंगार सामग्री आदि भेंट करें। यह व्रत आप अपने पति के लिए रखती हैं तो कोशिश करें कि व्रत के दिन पति के साथ कोई वाद विवाद ना हो, ऐसा ही पति को भी करना चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है जिसकी वजह से व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आप व्रत नहीं रख सकती हैं, लेकिन माता आप पूजा स्वीकार करें और अखंड सौभाग्य का आशीष दें। जो महिलाएं कुछ कारणवश हरियाली तीज पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं वे हरियाली तीज व्रत कथा को पढ़ लें या सुन लें, इससे भी आपको माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती आपके कष्टों को दूर करके उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य प्रदान करेंगी। हरियाली तीज की पूजा में भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करें। हरियाली तीज के व्रत के दौरान सोने से बचना चाहिए। दिन में महिलाओं को गीत गाने गाने चाहिए। इस दिन झूला झूलने का भी महत्व होता है। सुहाग की रक्षा और दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए आपको मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी होती है। व्रत के दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाए तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? अगर किसी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा है और पीरियड्स हो जाए तो इस स्थिति में वे क्या करें? क्या इस दौरान व्रत मान्य होगा या नहीं? इस तरह के सवाल अक्सर सभी के दिमाग में रहते हैं, तो चलिए आज आपकी ये उलझन दूर कर देते हैं। यदि आपको हरियाली तीज के दिन मासिक धर्म आए तो आप व्रत कर सकते हैं। आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें। आपको स्नान आदि करने के बाद हरे या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है, इसलिए आप भी निर्जल रहकर ही यह व्रत करें। यदि आप मासिक धर्म से हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप पूजा की किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के लिए बनने वाले भोग को भी आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं। इस समय में आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप भगवान की किसी भी मूर्ति को स्पर्श ना करें। हरियाली तीज के दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर के किसी अन्य महिला से करा लेनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई अन्य महिला ना हो तो आप यह पूजा अपने पति से भी करा सकते हैं। शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव को भी स्वयं भोग ना लगाएं, बल्कि उन्हें किसी और से ही भोग लगवाएं। यदि आपने हरियाली तीज का व्रत रखा है तो आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।